अपने जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जो तुम्हारी दो क्लासेस हैं, डाइकॉट मोनोकॉट, इन डाइकॉट मोनोकॉट के जो प्लांट पार्ट है, लीव, स्टेम, रूट, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में, और जब भी हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे डाइकॉट मोनोकॉट की, तो हम कंपेयर करते हुए बात करेंगे बच्चे, ताकि थोड़ा हमें याद करना आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए डाइकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा है, इधर मैंने आपके मोनोकॉट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी एनाटॉमी ड्रॉ कर रखी है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चे हमारे डाइकॉट स्टेम हो गए, ठीक है, और इसका मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लिया, देखिए इसका मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट कर लिया, और इसको देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ये देखिए। तो ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्टेम की, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस से और अंदर चलिए, अंदर चलेंगे तो फिर सेकंड जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस, सेकंड जो लेयर है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, ठीक है। और मैंने पहले बताया था, जब मैं आपको जब कोलेनकाइमा के बारे में बता रहा था, तो कोलेनकाइमा के बारे में जो हमने पढ़ा था, वहां देखा कि डाइकॉट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी है, वो कोलेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, ठीक है, वो कोलेनकाइमा की बनी है, ठीक, कोलेनकाइमेटस सेल के अंदर। वहीं जब बात करेंगे एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस में कौन सी सेल है, पैरेनकाइमेटस सेल होती है हमारी, जो एपिडर्मिस है इसमें पैरेनकाइमेटस सेल मिलेगी, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमेटस सेल मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद और नीचे जब चलेंगे तो नेक्स्ट में फिर से पैरेनकाइमेटस सेल की लेयर मिलेगी, यहां पर फिर से पैरेनकाइमेटस सेल मिलेंगी जो भी लूजली पैक्ड होंगे, तो उस लेयर को बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको, एपिडर्मिस, नेक्स्ट आपको मिलेगी हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट आपको मिलेगी जनरल कॉर्टेक्स। अभी मैं आपको मेन जो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है बोर्ड पे वो मैं आपको समझाता हूं, पहले आप समझो अरेंजमेंट क्या है, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर पाओ सारी चीजें, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स, इस जनरल कॉर्टेक्स के और अंदर आ रहा है, और अंदर जा रहा है, और अंदर जाओ तो फिर से आपको यहां पर एक पैरेनकाइमेटस, फिर से एक पैरेनकाइमेटस लेयर मिलेगी जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड पैरेनकाइमेटस लेयर मिलेगी, जिसको आप बोलोगे एंडोडर्मिस, क्या बोलेंगे उसको आप, एंडोडर्मिस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, देखिए एंडोडर्मिस हो गई हमारी, देखिए एंडोडर्मिस मान लो यहां तक आ गए, एंडोडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस के नीचे जाएंगे तो फिर आपको यहां पर फिर से आपको क्या मिलेगी, यहां पर एक पैरेनकाइमेटस सेल की लेयर मिलेगी आपको, ठीक है, लूजली पैक्ड as compared to endodermis, इसकी जो endodermis में तो क्या compactly packed है, उसके compare में यहाँ पे थोड़ी loosely packed होगी। और हम अगर dicot की बात कर रहे हैं, अगर आप dicot की बात करो, तो dicot में क्या होता है, dicot की इस endodermis के नीचे वाली जो layer है, जिसको आप pericycle बोलेंगे, dicot endodermis के नीचे वाली जो layer है, उसको हम बोल रहे हैं pericycle, है ना। और इस pericycle में दो तरह की cell देखने को मिलती है हमें, यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल का मास मिलेगा आपको, फिर उसके जस्ट एडजेसेंट आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का मास मिलेगा, फिर उसके जस्ट एडजेसेंट आपको पैरेनकाइमेटस सेल का ग्रुप मिलेगा, फिर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का ग्रुप मिलेगा। मतलब कि ये जो आपकी एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर है, इसको आप पेरिसाइकल बोल रहे हैं, ठीक है, पेरिसाइकल बोल रहे हैं। उस पेरिसाइकल में दो तरह की सेल देखने को मिलेगी, ठीक है, पैरेनकाइमेटस जिसके अंदर आपके पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है पैचेस में मिल रहे हैं, एक बार पैरेनकाइमा का पैच है, फिर यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का पैच है। इसके नीचे, इसके और अंदर चलो, इसके और अंदर चलोगे तो फिर आपको यहाँ पर वैस्कुलर बंडल मिलेगा, इसके और अंदर आपको यहाँ पर वैस्कुलर बंडल मिलेगा, ऐसे देखिए ऐसे। और वो वैस्कुलर बंडल जो है बच्चे, वो इस तरह से एक रिंग में, पूरा कंसेंट्रिक रिंग में ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे देखिए रिंग में, ये कंसेंट्रिक रिंग में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग में ये सारे के सारे वैस्कुलर बंडल अरेंज होंगे, ठीक है। और हम स्टेम की बात कर रहे हैं, और स्टेम में कैसे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल मतलब कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम होगा, सेंटर की तरफ जाइलम होगा, पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम होगा, सेंटर की तरफ जाइलम होगा। तो इस तरह से यहां पर आपको वैस्कुलर बंडल मिल रहे हैं, और ये वैस्कुलर बंडल कैसे मिल रहे हैं आपको, वैस्कुलर बंडल सर एक रिंग में, कंसेंट्रिक रिंग में रखे हुए सारे ऐसे, ठीक है, सर्कुलर फैशन में रिंग में रखे हुए, ठीक। चलिए अभी जो वैस्कुलर बंडल है, इन वैस्कुलर बंडल के बीच में भी आपको गैप दिख रहा है, ये बीच में गैप दिख रहा है वैस्कुलर बंडल के बीच में, और वैस्कुलर बंडल के बीच का ये जो गैप है, इसके अंदर फिर से हमने पैरेनकाइमेटस सेल भर दी, इसके अंदर क्या भर दिया लोगों ने, पैरेनकाइमेटस सेल भर दी। और इन पैरेनकाइमेटस सेल कौन बोल रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग मेडुलरी रे, क्या बना रही है, मेडुलरी रे। तो ये जो इन वैस्कुलर बंडल के बीच का जो सेल है, इसको आप बोल रहे हो मेडुलरी रे,
मेडुलरी सब का काम सब कुछ हम अलग से देखेंगे जब अपने बोर्ड वाला डायग्राम समझेंगे। ठीक, अभी आप बस विजुलाइज कर पाओ उसके बता रहे हैं हम। नेक्स्ट, अब वेस्कुलर बंडल के और अंदर आइए। वेस्कुलर बंडल के और अंदर आओगे मतलब सेंटर पे आ जाओगे। सेंटर में फिर आपको यहाँ पर सेंटर में पूरे सेंटर में यहाँ पर सेंटर में आपको फिर से क्या मिलने वाले यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल का ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर सेंटर में आपको पैरेन्काइमेटस सेल का ग्रुप मिलेगा जिसको आप बोलोगे पित्त। क्या बोल रहे हो? पित्त बोल रहे हो। ठीक, तो ये आपको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट समझ में आएगा किस तरह से चीजें यहाँ पर अरेंज है। ठीक है, अब हमने ब्लैक बोर्ड में बच्चे यहाँ पर एक इसका इस तरह से एक छोटा सा सेक्शन ड्रॉ किया हुआ इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसका एक छोटा सा सेक्शन हमने ऐसे कट करके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे अपने ड्रॉ कर रखा है। आपको बस ये विजुलाइज करना है जो ये छोटा सा इसका सेक्शन है ना इसको पूरा सर्कुलर फॉर्म में विजुलाइज करना है। चीजें आपको यहाँ पर समझ के देखिए सबसे जो बाहर वाली लेयर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस की सेल कैसी होती है? सारी इलॉन्गेटेड सेल्स हैं क्लोजली पैक्ड है ना। और ये देखिए एपिडर्मल सेल्स का ही इलॉन्गेशन है ट्राइकोम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन एपिडर्मल जो लेयर एपिडर्मिस जो लेयर इसके ऊपर क्या मिलेगी आपको थिन क्यूटिकल की लेयर मिलेगी। ठीक है, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल ये मिल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मिस से लेकर ये जो एंडोडर्मिस का हिस्सा है। ठीक है, एंड एपिडर्मिस से आप अंदर जाओगे और एपिडर्मिस कैसी होती है सर? यूजली सिंगल लेयर होती है। इट इज यूजली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस हमारी यूजली सिंगल लेयर है। ठीक है, और एपिडर्मिस से जब आप अंदर जा रहे हो तो एपिडर्मिस के अंदर आप आ गए यहां से लेकर ठीक है एंडोडर्मिस तक का जो रीजन इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स है इसको फर्दर तीन रीजन में हमने डिवाइड कर दिया है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर आएंगे तो फिर आपको जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे तो एंडोडर्मिस। ठीक है, तो सबसे जो इनर लेयर हो गई कॉर्टेक्स की दैट इज एंडोडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस मिल रही है जो कि कोलेनकाइमा की बनी होगी। मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है, कोलेनकाइमा का बना हुआ है। नेक्स्ट उसके नीचे आएंगे फिर हमें कॉर्टेक्स की लेयर मिल रही है यहां पर। फिर ये मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको कॉर्टेक्स का जहां पर आपके पैरेन्काइमेटस सेल मिलेंगे। ठीक है, लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल यहां पर मिल रही है हमें। और इस कॉर्टेक्स में रेजिन्स डक्ट मिलेंगे। रेजिन डक्ट जो रेजिन प्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चे, रेजिन्स रेजिन्स क्या काम कर रहे हैं सर? एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट के लिए ना। जो भी अटैकर्स हैं इनको जो अटैक करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं प्लांट को। तो ये यहां पर रेजिन डक्ट पाई जा रही है। ठीक है, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए आपके रेजिन डक्ट यहां पर होगी जो कॉर्टेक्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, और अंदर आइए कॉर्टेक्स के और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा सर हमें? सबसे जो इनर लेयर है, सबसे जो इनर लेयर होगी हमारे कॉर्टेक्स की दैट इज एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस। और ये भी कैसी लेयर है? ये माने पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर होती है। पैरेन्काइमेटस सेल की ही लेयर होती है आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है, और इस पैरेन्काइमेटस जो सेल की लेयर है यहां पर आपको रिच अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन मिलेगा। देयर इज अ रिच अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन। ठीक है, तो जो एंडोडर्मिस की सेल है कैसी? पैरेन्काइमेटस से पैरेन्काइमेटस सेल काम ही होता है स्टोर करना। तो ये क्या स्टोर कर रही है? रिच अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन। ठीक है, इसलिए एंडोडर्मिस को हम यहां पर स्टार्च सीथ भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च सीथ। चलिए एंडोडर्मिस के और नीचे आके फिर हमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज पेरिसाइकल, दैट इज पेरिसाइकल। हमारी जो एंडोडर्मिस है सिंगल लेयर्ड होगी आपके। ठीक, फिर एंडोडर्मिस के नीचे आओगे फिर आपको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज पेरिसाइकल। और ये पेरिसाइकल पैचेस की फॉर्म है। देखिए पैचेस की फॉर्म है। पैचेस की फॉर्म में कैसे है सर? तो एक बार स्क्लेरेन्काइमा का पैच है, फिर यहां पर पैरेन्काइमा का पैच है, फिर स्क्लेरेन्काइमा का, फिर पैरेन्काइमा का, वो पूरा सर्कुलर याद करो ऐसे पूरा सर्कुलर इमेजिन कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेरिसाइकल के नीचे आएंगे वहां पर क्या मिलेगा सर? वैस्कुलर बंडल की लेयर मिलेगी। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल कैसे रहते हैं? ये भी आपके ऐसे कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में वेज शेप्ड है ना, ये वेज शेप्ड आपके वैस्कुलर बंडल है जो कि कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में अरेंज है इस तरह से। ठीक है, वेज शेप्ड दिखा रहे हैं, पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर ना, वेज शेप्ड पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर। ये हमारे वैस्कुलर बंडल है, यहां पर वेज शेप्ड वैस्कुलर बंडल है जो कि पूरे कंसेंट्रिक रिंग में ऐसे अरेंज है। ठीक, चलिए इसमें क्या होगा? वेस्कुलर बंडल में क्या फ्लोइंग पेरिफेरी की तरफ है, जाइलम सेंटर की तरफ है, इनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैंबियम यहां पर। ठीक है, और इन वेस्कुलर बंडल के बीच में, इन वेस्कुलर बंडल के बीच की जगह है, मैंने बताया था आपको वहां पर समझाया था जब बॉटल को एक बॉटल को लेके है, तो वहां पर हमने बोला था इनके बीच की जो यहां पर सेल है इनको आपने क्या बोला? मेडुलरी रे। इनको आपने बोला मेडुलरी रे और पिथ रे बोल रहे हो। मेडुलरी रे और पिथ रे बोल रहे हैं इनको। ठीक है, क्या काम है इनका? ये जो मेडुलरी रे और पिथ रे होती है बच्चे ना, इनका काम होता है रेडियल डायरेक्शन में फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। आपकी जो साइलम एंड फ्लोएम, साइलम फ्लोएम तो क्या कर रही है सर? इनका तो काम है पूरे रूट से लेकर टॉप तक लेकर जाना सारी चीजों को जो भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक, लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन में अगल बगल की जो सेल है उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो सर विद द हेल्प ऑफ दिस मेडुलरी रे, जिसको आप पिथ रे बोल रहे हो। ठीक, तो ये पिथ रे क्या कर रही है? रेडियल डायरेक्शन में फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटर में आते हैं। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में होगा पित्त। ये सेंटर में आपको ऐसे पित्त देखने को मिलेगा।
और आप इमेजिन कर पा रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं आपको सारी चीजें, है ना, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिखाया, बच्चे बॉटल का है ना, वहां से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। तो सेंटर में क्या मिलेगा, पिथेरी कैसी ही पैरेन्काइमेटस सेल है, मेडुलेरिया कैसी ही पैरेन्काइमेटस सेल है आपकी, ठीक है, और ये वैस्कुलर बंडल में क्या आपके ज़ाइलम फ्लोएम में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके यहां पर हो गए। तो इस तरह से कुछ आपका पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा। और ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, आपसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि स्क्लेरेंकाइमा वाले पैचेस कहां पर होंगे, पैरेन्काइमा वाले पैचेस कहां पर होंगे, तो स्क्लेरेंकाइमा वाले पैचेस जो है बच्चे वो वैस्कुलर बंडल के जस्ट पीछे पाए जा रहे हैं। तो वैस्कुलर बंडल के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर आपको स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो खाली हिस्सा है, इस खाली हिस्से के पीछे जब देखोगे पेरिसाइकल में, तो वहां पर आपको पैरेन्काइमेटस पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक। और इसको भूलेना कैसे आपको बता कि भूलेना, स्क्लेरेंकाइमा मतलब डेड, डेड मतलब ज्यादा, जहां पर जरूरत हो सपोर्ट लगाना हो, कहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर, जहां पर कुछ है, ठीक है, यहां पर लगाइए स्क्लेरेंकाइमा को, पैरेन्काइमा को बीच में लगा दीजिए। तो ऐसे करके आप कहीं ना कहीं याद कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज की फॉर्म में प्रेजेंट है, पूरा हमने अरेंजमेंट देख लिया अपने डायगोट स्टेम के अंदर। देखिए कुछ इस तरह से हमारे वैस्कुलर बंडल जो है ये पूरे सर्कुलर रिंग की फॉर्म में अरेंज है ना, और यहाँ पर भी सेंटर में पिथ मिल रहा है, देख रहे कितना लार्ज एरिया है पिथ का, तो वेल डेवलप्ड पिथ देखने को मिलेगी हमें पर, ठीक है, वेल डेवलप्ड पिथ डाइकोट स्टेम में देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर आप मोनोकोट स्टेम की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आप वही सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस देख रही है, ठीक है, और एपिडर्मिस के ऊपर हमें थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिन लेयर एंड थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल मिल रही है। आपको कोई भी यहाँ पर मल्टी सेलुलर हेयर जो है ट्राइकोम वो सब देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर, हेयर जो मल्टी सेलुलर हेयर ट्राइकोम जो है मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एपिडर्मिस के नीचे आएंगे तो हाइपोडर्मिस वाली लेयर है, और हमारे मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कौन बनाता है, तो इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, है ना, ये किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ है, ठीक है, एक ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट उसके बाद जब आप और नीचे आओगे तो इसका जो ग्राउंड टिश्यू है पूरा, ग्राउंड टिश्यू जो इसका पूरा है वो फर्दर आपका जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी पिथ, इन सब में सब डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है। तो बोलेंगे इसका जनरल कॉर्टेक्स है, इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इन, सब डिवाइडेड इन जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकल, ये सारी चीजें आपको मोनोकोट स्टेम में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। केवल और केवल क्या दिख रहा है आपको, इसके ग्राउंड टिश्यू के अंदर कंप्लीटली पूरा किससे भरा हुआ है, सब ये पैरेन्काइमेटस सेल है, सारी पैरेन्काइमेटस सेल चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैस्कुलर बंडल देख रहे हैं, सब वैस्कुलर बंडल है, सारे वैस्कुलर बंडल है, ये पूरे स्कैटर्ड होते हैं, इस वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और कैसे अरेंज है ये वैस्कुलर बंडल, अच्छा स्कैटर्ड है, ठीक है, किस तरह से स्कैटर्ड है, कैसे अरेंज्ड है, उसको अपने एनसीईआरटी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चे, ये हमारी मोनोकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट किया हुआ है, और यहां पर ये वैस्कुलर बंडल पूरे जनरल कॉर्टेक्स के अंदर ये वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं बच्चे, दो साइज के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, कुछ वैस्कुलर बंडल बड़े हैं, और जो बड़े वाले वैस्कुलर बंडल है वो सेंटर में, देखो यहां पर दिखा रखा है साफ साफ, बड़े वाले वैस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं, और जो छोटे वाले वैस्कुलर बंडल है वो पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वैस्कुलर बंडल दो साइज के हैं, बड़े वाले वैस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं, छोटे वाले वैस्कुलर बंडल बार बार होते हैं, इसको रटनी जरूरत नहीं है सर, हाँ सर बड़े लोग बीच में चलते हैं, छोटे लोगों को घेर के चारों तरफ चलते रहते हैं, तो बड़े वाले बीच में, छोटे वाले किनारे आ रहे हैं। जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर वेसल्स के नंबर बहुत कम है बच्चे, जाइलम में वेसल्स बहुत कम होते हैं इनकी, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की बात करें, तो इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, वेसल्स जो है टू, वन और टू ही नंबर वेसल्स होते हैं, और वो वेसल्स एक या दो जो वेसल्स हैं जाइलम के अंदर वो वी या फिर वाई की शेप में अरेंज है, यहाँ पर ये देखो ये वी की शेप में अरेंज है, यहाँ पर ये वाई है, तो ये वी या फिर वाई के शेप में ऐसे आकर अरेंज होते हैं आपके वेसल्स ना जाइलम के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल हो गया, जिसमें ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्रोटोफ्लोएम सारी चीजें प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल के अंदर, ठीक है। और इनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इनके अराउंड बंडल शीट पाई जाती है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड क्या पाई जाती है, बंडल शीट। कैसी होती है बंडल शीट, ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल है बच्चे, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल की बनी हुई है बंडल शीट पाई जा रही है हमारे वैस्कुलर बंडल के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट वैस्कुलर बंडल में देखो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के नीचे बच्चे वाटर कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है, ये वाटर कैविटी बन गई। ये कैविटी कैसे बनी है, तो कहीं भी मान लो आप कैविटी बनाना है, मान लो ये बाहर आ जाओ इसके बाद, मान लो यहाँ पर बीच में कैविटी बना रहा, कैविटी कैसे बना सकते हैं, या तो इन सारी सेल को हटा दिया जाए, सारी सेल हट गई कैविटी बन गई, ठीक है। तो इस तरह का जो कैविटी फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं लाइसोजीनस, क्या होते हैं इसको हम लाइसोजीनस, लाइसोजीनस का मतलब क्या होता है, लाइसोजीनस कैविटी कैसे बनती है सर, सेल की लाइसिस से, सेल जो है डिस्ट्रॉय हो गई वहां पर बन गई कैविटी लाइसोजीनस।
दूसरा हम कैसा कर सकते हैं इस चीज को, ये देखो मान लो यहाँ पर कई सारी सेल थी, अगर मैं इन सेल को धक्का दे दूं यहाँ से, धक्का दे दूं, धक्का देके थोड़ा हटा दूं किनारे किनारे कर दूं, तो सेल जैसे धक्का देके किनारे जाएंगे तो फिर से यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी। तो इस तरह से जो कैविटी बनती है जो सेल को हटाने से बन रही है, ऐसी कैविटी को बोलते हैं साइजोजीनस कैविटी, साइजोजीनस कैविटी। तो सर ये वाटर कैविटी फिर कैसी है हमारी, तो बच्चे ये साइजोलाइजोजीनस होती है। इसका जो मेजर पोर्शन है वो लाइसोजेनस एक्टिविटी की वजह से बना, मतलब सेल को डिसॉल्व करके बना है, थोड़ा सा पार्ट इसका सेल को डिस्प्लेस करके बनता है, तो मतलब दोनों चीजें हो रही हैं यहां पर, इसके आपके बोलते हैं साइजोलाइसोजेनस इनवर्जन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपने जाइलम के बारे में। अगर फ्लोएम की बात करें, वास्कुलर बंडल के अंदर जो फ्लोएम होते हैं उन फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। फ्लोएम में क्या निकलेगा आपको, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगी। तो मोनोकोटिस स्टेम में जो फ्लोएम होती है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो लिख लेते हैं क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले डाइकॉट सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो आपकी एपिडर्मिस है, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, सिंगल सेल लेयर थी, बिल्कुल सही है सर। थिन क्यूटिकल प्रेजेंट था, मल्टी सेलुलर हेयर भी थी जिसको आप डाइकोम बोल रहे हैं वो भी वहां प्रेजेंट था। उसके बाद और नीचे आए तो सर हाइपोडर्मिस मिली, जनरल कॉर्टेक्स मिला, एंडोडर्मिस मिली, इन सबको मिलाकर हमने बोला इट इज द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है सर, इट इज मेड ऑफ कॉलेंकाइमा, कॉलेंकाइमा की बनी है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपकी हाइपोडर्मिस थी, कॉलेंकाइमा की बनी है। जनरल कॉर्टेक्स की बात करें, दे हैव ग्राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं उनके अंदर, मेन काम क्या होगा, फूड स्टोरेज करना, मेन फंक्शन इज फूड स्टोरेज। तो कॉर्टेक्स की जो पैरेन्काइमेटस सेल है ये मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, दैट इज एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की, सिंगल लेयर्ड है ये, इट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड एंड रिच इन स्टार्च ग्रेन, इज रिच इन स्टार्च ग्रेन, इसीलिए इसको हम स्टार्च सीथ बोल रहे हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टार्च सीथ। पैरेन्काइमेटस सेल है वो भी स्टार्च स्टोर करेंगे ना, तो दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, सो कॉल्ड स्टार्च सीथ। नेक्स्ट एंडोडर्मिस के नीचे आएंगे तो पेरिसाइकल मिलेगी, ये मल्टी लेयर्ड है, बिल्कुल सही बात है सर, एंड मेड अप ऑफ अल्टरनेट बैंड ऑफ पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ओके, अल्टरनेट बैंड मिल रहा है आपको। ये स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल कहां मिलेगा आपको, इन फ्रंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है, पर इसको बोलते हैं हार्ड बास्ट, ठीक है, जो स्क्लेरेन्काइमेटस वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड हार्ड बास्ट। और ये वैस्कुलर बंडल के ऊपर क्या बना रहा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोलते हैं बंडल कैप, क्या बोलते हैं बंडल कैप, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना है ड्यू टू द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, इसको बंडल कैप। नेक्स्ट पेरिसाइकल की बात करें, इट इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, बिल्कुल सही बात है सर, पेरिसाइकल जो है फ्लोएम के ऊपर जो पेरिसाइकल वाला पार्ट है इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस, है ना, और पैचेस के फॉर्म में क्यों बोल रहा है, क्योंकि केवल स्क्लेरेन्काइमा वाली बात कर रहा है, स्क्लेरेन्काइमा के बाद फिर पैरेन्काइमा मिलेगा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, फिर पैरेन्काइमा, तो हर फ्लोएम के पीछे तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस है ना, हर फ्लोएम के पीछे क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस मिल रहा है आपको, वो यहां पे लिखा हुआ है। वेस्टुलर बंडल की बात करें तो वेस्ट रिम वेस्टुलर बंडल देखे थे, हां बिल्कुल सही बात है, जैसे वेस्ट रिम वेस्टुलर बंडल हमने देखे थे, सर्कुलर फैशन में अरेंज है सारे, अरेंज इन रिंग, रिंग सर्कुलर फैशन में अरेंज। नेक्स्ट उसके और नीचे आएंगे सर पिथ मिलेगी, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा और वेल डेवलप्ड होती है ना, मोनो डाइकॉट स्टेम में पिथ जो है वेल डेवलप्ड, देखा था बहुत ज्यादा रीजन था आपका। और वेस्टुलर बंडल के बीच वाली जो सेल है उनको बोलो, उनको क्या बोला उन्होंने, मेडुलरी रे और पिथ रे, ये भी क्या है पैरेन्काइमेटस सेल है, इनका क्या काम है, फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। नेक्स्ट अगर हम कॉर्टेक्स के बारे में लिख लीजिए क्या क्या देखा हमने, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कैसी है सर, इट इज आल्सो सिंगल लेयर एंड थिक क्यूटिकल मिलेगा यहाँ पर आपको, ट्राइकोम एब्सेंट है, थिक क्यूटिकल है सर, अच्छा ट्राइकोम नहीं है तो पूरा प्रोटेक्शन क्यूटिकल से ही होना है यहाँ पर, इसलिए थिक क्यूटिकल कर दिए, ऐसे याद रखें इसको, ठीक है। हाइपोडर्मिस की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सर, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा ही सर, डेड टिश्यू होती है तो है, देयरफॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, मेन मैकेनिकल सपोर्ट यही देती है प्लांट को। ग्राउंड टिश्यू की बात करें, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी, इन सब में डिफरेंशिएटेड ही नहीं है यहां पर, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो इट इज स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, बिल्कुल सही बात दिखाया था मैंने, सेंटर पे क्या थे बड़े वाले थे, पेरिफेरी पे क्या थे लार्ज स्मॉल वाले, पेरिफेरी पर थे, सेंटर में बड़े वाले वैस्कुलर बंडल थे। And vessels are arranged in V or Y shape. Vessels जो हैं V और Y shape में arranged हैं xylem के अंदर। और protoxylem के नीचे क्या मिली थी आपको? Water cavity जो कि Saisolysogenes in origin की वो देखा हमने। Phloem की बात करेंगे तो phloem में phloem parenchyma नहीं मिलेगी आपको। बाकी सारे component हैं phloem में, लेकिन phloem के अंदर phloem parenchyma नहीं मिल रही monocotyledon में। अब अच्छे root के internal structure के बारे में discuss कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी भाई हम dicot और monocot दोनों की root को compare करते हुए पढ़ेंगे।
डाइकॉट रूट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, रूट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसको आप एपिडर्मिस बोल रहे हैं। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस है वही, आपकी एपिडर्मिस को यहाँ पर एपिडर्मिस बोला जा रहा है, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस बोल रहे हैं। इन एपिडर्मल जो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स का एलोंगेशन, उससे क्या अपनी रूट हेयर बनेगी, पड़ चुके हैं इसके बारे में, यूनिसेलुलर होती है रूट, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। एपिडर्मिस के बाद अभी इस टाइम में देखा आपने हाइपोडर्मिस आती थी, लेकिन हमारे रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद डायरेक्टली कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया, देखिए हमारा कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होंगी आपकी, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल है, और इन पैरेन्काइमेटस सेल का मेन फंक्शन है यहाँ पर फूड स्टोरेज का, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, आपकी जो पैरेन्काइमेटस सेल है कॉर्टेक्स की, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, इनका मेन काम क्या है सर, इनका मेन काम है फूड स्टोर करना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनकी रूट क्या कर रही है, वो फूड बना रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, जैसे कि आपकी टीनोस्पोरा हो गई, ट्रैपा हो गई, तो इनकी रूट में फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट कॉर्टेक्स के अंदर आप चलते चले जाएंगे तो फिर आपको कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस की, अरे यहां पर एंडोडर्मिस, ये देखिए एंडोडर्मिस आ गई। ये जो एंडोडर्मिस है बच्चे, इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड है, इनकी सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है। और क्लोज पैकिंग के साथ साथ और यहाँ पर क्या अलग होने वाला है, हमारे स्टेम की बात करें, वहां से अगर कंपेयर करें तो क्या अलग होने वाला है यहाँ पर, ये जो एंडोडर्मिस है बच्चे, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, इनकी वॉल पर, इनकी रेडियल टेंजेंशियल दोनों वॉल पर क्या हो रहा है सर, कैस्पेनियन स्ट्रिप पाई जा रही है, इनकी वॉल पर पाई जाती है कैस्पेनियन स्ट्रिप। ये कैस्पेनियन स्ट्रिप क्या है, कैस्पेनियन स्ट्रिप बच्चे, ये लिग्निन सुबरीन जैसे केमिकल, लिग्निन सुबरीन सुबरीन जैसे केमिकल इनकी वॉल पर लगे हुए हैं, लिग्निन सुबरीन है ना, ये केमिकल इनकी वॉल में डिपॉजिट हुए हैं, इनकी वॉल पर डिपॉजिट हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी वॉल जो है ये वाटर के लिए इम्परमीबल हो गई है, इनकी वॉल क्या हो गई है, वाटर के लिए इम्परमीबल हो गई है, ठीक। तो ये हमने देख लिया एंडोडर्मिस के बारे में, इनकी एंडोडर्मिस कैसी है सर, क्लोजली पैक्ड सेल्स है, यहां पर पैरल शेप है ना, क्या होते हैं पैरल शेप, क्लोजली पैक्ड सेल यहां पर देखने को मिलेगी आपको, पैरल शेप, फ्लैट बैरल शेप, क्लोजली पैक्ड सेल है यहां पर, और इनकी इनकी जो एंडोडर्मिस की जो सेल है, इनकी दोनों वॉल पर रेडियल टेंडेंसी, दोनों वॉल पर क्या है सर, कैस्पेरियन स्ट्रिप की कोटिंग यहां पर, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई है, इट इज मेड ऑफ लिग्निन एंड सुबरीन, जो कि इस एंडोडर्मिस की लेयर को वाटर के लिए इंपरमीबल बना दे रही है, ठीक है। अब बात आती है सर, जब ये वाटर के लिए इंपरमीबल है तो फिर वाटर जो इन रूट ने एब्जॉर्ब किया है, रूट हेयर से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, वो पानी चलते हुए हमने देखा था एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक दोनों रास्ते से वो पानी चलते हुए पहुंचे, अब वो एंडोडर्मिस से अंदर कैसे जाएगा, एंडोडर्मिस से अंदर कैसे जा रहा है, तो देखिए ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के और अंदर आएंगे तो आपको पेरिसाइकिल की लेयर मिलेगी, बड़ा हम लोगों ने इस टाइम में भी देखा था पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल मिलेगी यहां पर आपको, देखिए भी पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद क्या हो रहा है यहां पर, आपके जाइलम और फ्लोएम रखे हुए, वैस्कुलर बंडल हो गए अंदर, और यहां पर जाइलम और फ्लोएम जो है वहां की आगे जो वैस्कुलर बंडल है रूट का रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम वो अलग अलग रेडियाई पर रखे हैं, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम अलग अलग रेडियाई पर रखे हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है रूट में, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये जो यहां पर अगर जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम की अगर बात करें, जाइलम का जो अरेंजमेंट होता है वो एग्जैक्ट अरेंजमेंट यहां पर है ना, एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है यहां पर, एग्जैक्ट पढ़ा हम लोगों ने कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम वो आपके सेंटर की तरफ होता है, इसको एग्जैक्ट कंडीशन सेंट्रिपिटल ऑर्डर सारी चीजें आपने पढ़ ली है। तो ये जो प्रोटोजाइलम है आपका प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली जो एंडोडर्मल सेल्स होती है, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली जो एंडोडर्मिस की सेल है, इन एंडोडर्मिस की सेल पे, इन एंडोडर्मिस की सेल पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपके जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली जो आपकी एंडोडर्मल सेल्स हैं, इन एंडोडर्मल सेल्स पे क्या नहीं मिलेगा आपको, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है बच्चे, ये जो लिग्निन और सुबरीन का डिपोजिशन है, ये इन सेल्स के वॉल पे लिग्निन सुबरीन का डिपोजिशन नहीं होता है, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जा रही है। और जब कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जा रही सर, यानी यहां से पानी एंटर कर सकता है, मैं समझ में आ गया, अब जो पानी यहां पर एब्जॉर्ब हुआ है वो जाइलम तक कैसे पहुंचाया जाएगा, एंडोडर्मिस को कैसे क्रॉस कर रहा है वो, तो सर इन्हीं सेल से, ये जो प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे पाई जा रही है, और इन सेल को हम बोलते हैं पासेज सेल, इन सेल्स को हम बोल रहे हैं पासेज सेल और पास सेल, ये पासेज सेल किसकी सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, एंडोडर्मिस की ये सेल होती है, लेकिन ये वो सेल है जिनकी वॉल पर ये लिग्निन और सुबरीन का डिपोजिशन नहीं है, और ये सेल कहां पाई जा रही है, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे पाई जा रही है, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया एंडोडर्मिस के नीचे आएंगे पेरिसाइकिल में, लेकर पेरिसाइकिल के अंदर फिर आएंगे तो आपके वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम अरेंज है ठीक। और ये जाइलम फ्लोएम हमें पता है कि अलग-अलग रेडियाई पर है, जाइलम फ्लोएम है। तो ये जाइलम फ्लोएम के बीच की जो ये बीच का जो रीजन है बच्चे, इस रीजन में जो पैरेन्काइमेटल सेल भरी हुई है, इनमें भी पैरेन्काइमेटल सेल अपनी भरी, इनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। इनको क्या बोल रहे हैं? कंजक्टिव टिश्यू। ये पैरेन्काइमेटल सेल है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में भरी हुई है। चलिए और अंदर आइए, वैस्कुलर बंडल की जो लेयर है इसके अंदर आएंगे तो फिर सेंटर में क्या होता है? पिथ होता है। पता है सेंटर में क्या मिलेगा? पिथ। और इस पिथ में भी क्या होती है? यही सर पैरेन्काइमेटल सेल ही होती है इस पिथ के अंदर भी ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारे रूट में क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये जो पेरिसाइकल है बच्चे, इन पेरिसाइकल से लेटरल रूट निकल कर आ रही है, वहां पेरिसाइकल से लेटरल रूट का ग्रोथ हो रहा है, जिसको आप बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जो आपने पढ़ा था ना वो रूट जो रेडिकल को छोड़कर कहीं और से आ रही है, तो ये आपकी इन ठीक है यहीं से ये पेरिसाइकल से निकल कर आ रही है लेटरल रूट ये है ना। और जब पेरिसाइकल से आ रही है तो क्या बोलेंगे? देयर एंडोजीनस इन ओरिजिन। जो रूट आ रही है ना पेरिसाइकल से ओरिजिनेट हो रही है जो लेटरल रूट, देयर एंडोजीनस इन ओरिजिन ठीक है। और जो एडवेंटिशियस रूट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट में, वो भी हमारे क्या है? दे आर आल्सो एंडोजीनस इन ओरिजिन। बाकी हमारी जो ब्रांचेस हैं वो कहां से आ रही है? ब्रांचेस हमारे बाहर वाले रीजन से आ रहे हैं ना, यहां से एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सोजीनस इन ओरिजिन। They are exogenous in origin. और lateral root adventitious root ये क्या है? They are endogenous in origin. ये intracellular region से निकल कर आ रहे हैं आपके। चलिए ये हमने बात कर ली है अपने किसके बारे में? हमारे dicot root के बारे में हमने बात कर लिया। अगर हम बात करें monocot root के बारे में, तो monocot root में क्या है सर? यहाँ पर भी epidermis है, यहाँ पर next आएंगे तो cortex की layer हो गई, यहाँ पर भी cortex की जो cells हैं वो क्या नहीं photosynthesis देकर सब कुछ यहीं के जैसे, यहाँ पर root layer present है, endodermis आएगी, endodermis भी उसी तरीके से closely packed है, viral sets हैं मिलेंगे यहाँ पर आपको ठीक है, पेरिसाइकल मिलेंगे उसके नीचे आएंगे वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। फिर डिफरेंस क्या हमारे डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर? तो जब डाइकोट रूट की बात करोगे तो इनके अंदर बच्चे ये जो जाइलम है, जाइलम ये 2-4 पैचेस मिलेंगे जाइलम के आपको ना, यूजली 6-6 पैचेस मिलते हैं, यानी डाईआर्क टू एक्सार्क कंडीशन होते हैं, इसको बोलते हैं डाईआर्क टू एक्सार्क कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब जाइलम जो है, जाइलम के जो पैचेस है ये 2-4 ही नंबर होंगे। और जो पिथ है, पिथ कैसी है? इल डेवलप्ड पिथ है, यहां पर इल डेवलप्ड पिथ है और 2-4 जाइलम के पैचेस मिलेंगे, जितने जाइलम उतने फ्लोएम ठीक। तो ये बात होगी मेरे डाइकोट रूट की। वही जब आप बात करोगे मोनोकोट रूट की तो यहां पर आपको मोर देन सिक्स जाइलम के पैचेस देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलेगी आपको मोनोकोट रूट के अंदर। और इसके पिथ सेंट्रल रीजन देखिए, सेंट्रल रीजन की वेल डेवलप्ड सेंट्रल रीजन, बात तो कंजक्टिवल टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू तो यहां पर भी है, कंजक्टिव टिश्यू बीच में आ जाएंगे ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो पिथ है ये वेल डेवलप्ड है। यहां पर पिथ क्या है? वेल डेवलप्ड है ठीक है। यहां पर 2-4 जाइलम के पैचेस मिल रहे हैं, यहां पर मोर देन 6 पॉलीआर्क कंडीशन मिल रही है। यहां पर यहां पर बोला डाईआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन, यहां पर आप बोल रहे हैं पॉलीआर्क कंडीशन, ये आपको याद रखना है बच्चे। फिर बच्चे क्या देखा हमने? डाइकोट रूट की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको आप एपिडर्मिस और एपिफिलेमा बोल रहे हैं। इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, सही बात है सर, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। यहां पर यहाँ पर क्यूटिकल और स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेंगे। पहले मैंने बताया था आपको क्यूटिकल क्यों नहीं यहाँ पर सर, क्योंकि इनका काम है वाटर एब्जॉर्ब करना, क्यूटिकल लगा देंगे वाटर के लिए इंपरमेबल होता है, तो क्यूटिकल नहीं है, स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर है। एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स है हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ हो रहे हैं, इनको आप बोल रहे हैं उन एपिडर्मल सेल्स को बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। पहले मैंने बताया था बच्चे ट्राइकोब्लास्ट सेल के बारे में, यहाँ पर ट्राइकोब्लास्ट सेल यहाँ से क्या बन रही है? रूट हेयर बन रही है आपकी। और ये कैसी होती है? दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, सब डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले है ना। हाइपोडर्मिस यहां पर एब्सेंट है। कॉर्टेक्स की बात करें तो इट इज मेंटम ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल मिलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर आपको, देखा हमने क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। इन कुछ प्लांट हैं जिनकी कॉर्टेक्स की सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ट्रेपा हो गया, टिनोस्पोरा हो गया, इनकी कॉर्टेक्स की सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और ये फोटोसिंथेटिक होती है ठीक है। नॉर्मली रूट्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक, लेकिन टिनोस्पोरा और ट्रेपा के रूट फोटोसिंथेटिक होती है ठीक है। एंडोडर्मिस की बात करें बच्चे तो ये बैरल सेट सेल की लेयर है, इनकी सेल कैसी है? बैरल सेट सेल है ये ना, और वो लाइन से क्लोजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, क्लोजली पैक्ड है। और उनकी जो आपकी जो बैरल सेट सेल है इनके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर क्या लगी हुई है? कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी है। किसकी बनी होती है? ये लिडिन और सोलिन के बनी हुई है ठीक है। एंड दे आर इनपरमेबल फॉर वाटर, पानी को आने नहीं देना, जाने नहीं देना, इसलिए यानी एंडोडर्मिस क्या बनाता है? ये वाटर टाइट जैकेट बनाता है, वाटर टाइट जैकेट, जिससे कि वाटर लीक ना कर पाए बाहर है ना, वाटर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर, प्रिवेंट लीक ऑफ वाटर। ये एश्योर कर रहा है इतना टाइट क्यों सिस्टम बना रहा है? एश्योर कर रहा है कि भैया देखो जो पानी अंदर आ गया उसको बाहर नहीं जाने देंगे, हम लीक नहीं होने देंगे पानी को। बिल्कुल सही है, उससे पानी एब्जॉर्ब होना, यहीं से लेकर चढ़ाना है, यहाँ पर कोई लीकेज नहीं चाहिए,
इसलिए ये एकदम वाटर टाइट जैकेट बना दिया एंडोडर्म में संभव है। चलिए सेल्स इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके पास क्या सर कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं है, उनमें उन सेल्स में कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं लगा है और उनको आप बोल रहे हैं एसिड सेल और पाथ सेल और इन्हीं सेल से पानी जो है एंटर कर रहा है हमारे एंडोडर्मिस के अंदर जा रहा है पानी, ठीक है, इन पास से सेल से जा रहा है। चलिए नेक्स्ट एंडोडर्मिस के नीचे आएंगे तो पेरिसाइक्लिक लेयर मिलेगी यहां पर, इट इज सिंगल और फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल से बना है ना, ये सिंगल लेयर भी है कहीं पर ये फ्यू लेयर थिक है कहीं 2 टू 3 लेयर तक हो गया आपकी पेरिसाइक्लिक ना, यहां से लेटरल रूट हमारी जो पेरिसाइक्लिक की सेल्स है इनसे लेटरल रूट निकल रही है और कौन से सेल से निकलेगी सर, सर कहीं और से तो बाहर निकल नहीं सकता पूरा एकदम टाइट जैकेट बना रखा है, वो जो आपकी पैसेज सेल वाला जगह है ना वहीं से बाहर आ सकती है जो भी आ रही है, तो भाई आपकी लेटरल रूट कहां से आएंगी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम दीस सेल्स लाइंग अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम इज जस्ट अपोजिट जो पेरिसाइक्लिक की सेल है वहीं से लेटरल रूट ग्रो कर रही है और ये इंट्रास्टीलर रीजन से आ रही है मतलब एंडोडर्मिस के अंदर से निकल रही है, एंडोडर्मिस के अंदर के रीजन को बोलते हैं इंट्रास्टीलर रीजन या फिर स्टीलर रीजन और एंडोडर्मिस के बाहर के रीजन को बोलते हैं एक्स्ट्रास्टीलर रीजन, तो ये एंडोडर्मिस के अंदर से आ रही है उनको बोलते हैं एंडोजेनस रूट या एंडोजेनस रूट। हमने जो डिस्कस किया था कि स्टेम की जो ब्रांचेस होती है स्टेम की ब्रांचेस होते हैं दे आर एक्सोजेनस इन ओरिजिन, दे आर एक्सोजेनस इन ओरिजिन, ठीक है, ये एक्सोजेनस इन ओरिजिन है, ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से आ रहे हैं, ठीक। वहीं अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो आपसे पूछा जाए एडवेंटिशियस रूट, तो ये एडवेंटिशियस रूट कैसी होती है, तो ये भी आपकी एंडोजेनस इन ओरिजिन है, ये स्टीलर रीजन से निकल कर आ रहा है, ठीक है, एंडोजेनस इन ओरिजिन, ठीक, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया अभी तो इनको भी ऐड कर लीजिएगा कि एडवेंटिशियस रूट होती है एंडोजेनस इन ओरिजिन, बाकी जो स्टेम और ब्रांचेस निकल कर आ रही है स्टेम से दे आर एक्सोजेनस इन ओरिजिन, है ना, आपकी लेटर रूट कैसी है दे आर एंडोजेनस इन ओरिजिन, पर किसके हिसाब से बोल रहा है एंडोजेनस एक्सोजेनस, तो इंट्रास्टीलर मतलब इस एंडोडर्मिस के अंदर से जो कुछ आ रहा है वो एक्सोजेन एंडोजेनस वाला हो गया और बाहर का है एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन का है वो एक्सोजेनस इन ओरिजिन हो गया आपके। वैस्कुलर बंडल की अगर बात करोगे तो 2 टू 4 जाइलम के पैचेस मिल रहे हैं, मतलब डाईआर टू टेट्रास कंडीशन मिल रही है यहां पर आपको, है, और पैरेन्काइमा सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है उनको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं आप, ठीक है। जाइलम की वेसल्स की बात करें, वेसल्स जो है इनका ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करोगे तो वेसल्स कैसी दिखती है जाइलम की वेसल डाइकोट रूट के अंदर, दे आर एंगुलर और पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर जाइलम की वेसल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करो तो कैसा दिखेंगे वो, दे आर एंगुलर और पॉलीगोनल, ठीक है। पित की बात करें, पित कैसा था, स्मॉल लेस डेवलप्ड इनकॉन्सिपिशियस पित है, यहां पर इनकॉन्सिपिशियस पित मिलेगा आपको और एब्सेंट हो सकता है, एब्सेंट नहीं होगा और मोनोकोट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होती है, उल्टा यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा। मोनोकोट रूट की बात करें तो यहाँ पर क्या बताइए, जाइलम बंडल कितने यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्च कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक है, और पिथ कैसा है यहाँ पर लार्ज है, वेल डेवलप्ड पिथ है यहाँ पर। जाइलम वेसल्स कैसे हैं, अब ये सर्कुलर और ओवल इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, यहां पे मोनोकोट रूट के अंदर जाइलम वेसल्स देखोगे तो दे आर सर्कुलर और ओवल इन ट्रांसवर्स सेक्शन, वहीं अगर हम डाइकोट रूट की जो बात करें उनका ट्रांसवर्स सेक्शन देंगे तो दे आर एंगुलर और पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। मोनोकोट रूट में कभी-कभी क्या हो रहा है बच्चे, इनकी जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मल सेल पूरी तरह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो कॉर्टेक्स की सेल है वो सुबराइज हो गई, ठीक है, कॉर्टेक्स की सेल क्या हो गई, सुबराइज हो गई, and it is they are called exodermis, क्या बोल रहे हैं हमको, जो cortex से सुबराइज हो गई है they are called exodermis, तो exodermis term आपसे कोई पूछ दिया जाए क्या होता है बच्चे, तो mostly monocot root के अंदर देखने को मिल रहा है कि उनकी epidermal cell उनकी death हो गई तो जो cortex की cell है वो सुबराइज हो गई and they are called exodermis। ऐसे क्या हमारे condition है, velamen, velamen क्या है सर, जो epiphytes होते हैं, epiphytes पढ़ा हम लोग ecology में इनके बारे में ना, ये जो एपिफाइट्स है प्लांट के ऊपर चढ़ के रहे तो इनके अंदर हैंगिंग रूट पाई जाती है, ठीक है, और इनके हैंगिंग रूट में स्पॉन्जी टिश्यू पाई जाती है बच्चे, स्पॉन्जी टिश्यू पाई जा रही है जो कि एक एग्जांपल है मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस का, दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस क्या कर रही है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस क्या कर रही है, दे आर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वेलामिन जो स्पॉन्जी टिश्यू है, एन एग्जांपल इसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस देखने को मिलेगी आपको, एंड क्या करेंगे, काम क्या है, टू एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थ्रू इंबाइबेशन, इंबाइबेशन प्रोसेस देखा हम लोगों ने, इंबाइबेशन के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, तो दो तरह की लीफ देखने को मिलती है हमें, डॉर्सिवेंट्रल लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ। ये जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है ये स्टेम के परपेंडिकुलर रहती है, इस तरह से देखिए परपेंडिकुलर टू द स्टेम, हमारी जो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है स्टेम के पैरेलल होती है, पैरेलल टू द स्टेम,
देखा होगा आपने राइस वीट, इनके जो पौधे आपने देखे होंगे इनकी जो लीव्स होती हैं ऐसे स्टेम के पैरेलल टू द स्टेम चलती हैं ऐसे, है ना। तो ये आइसोपायलेटर एक अच्छे हमें मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है ना, राइस वीट के अगर पौधे देखे होंगे आपने तो आप वहां पर ऐसे नहीं दिखेंगे जो कि स्टेम के पैरेलल चल रही है ना। और ये डॉर्सीमेंटल लीफ हमें डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली याद रखिए कि मोनोकॉट के अंदर हमें आइसोपायलेटर लीफ मिलेगी वो लीफ जो कि स्टेम के पैरेलल है, और डाइकॉट के अंदर हमें डॉर्सीमेंटल लीफ मिलेगी जो कि स्टेम के परपेंडिकुलर है। अब जब ये लीफ स्टेम के परपेंडिकुलर होगी मतलब कि ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्टेम हो गई हमारी, ये स्टेम हो गई, स्टेम से ये ऐसे, ठीक है। तो लीफ का एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है, देख रहे हैं अपर सरफेस हो गया, लीफ का लोअर सरफेस हो गया। तो जो अपर सरफेस है वो डायरेक्टली सनलाइट को फेस कर रहा है ना, वो सनलाइट ज्यादा फेस कर रहा है, जो लोअर सरफेस है वो सनलाइट को फेस कर रहा है। तो इसी हिसाब से इसी वजह से इन डॉर्सीमेंटल लीफ की जब आप एनाटॉमी देखोगे बच्चे तो आपको इसी हिसाब से चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, अपर सरफेस कुछ अलग तरीके की दिखेगी, लोअर सरफेस में कुछ अलग तरह के मॉडिफिकेशन मिलेंगे आपको। लेकिन अगर हम बात करें आइसोपायलेटर लीफ की तो ये आपके स्टेम के पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है मतलब जितना ये अपर सरफेस एक्सपोज है उतना ही लोअर सरफेस एक्सपोज है। तो इन आइसोपायलेटर लीफ के अपर और लोअर सरफेस में इनकी एनाटॉमी में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे कुछ यहाँ से टर्म्स आते हैं बच्चे। अब लीफ का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, ये जो लोअर सरफेस है लीफ का इसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, लीफ का जो अपर सरफेस होता है इसको हम एडैक्सियल सरफेस बोल रहे हैं, इसको हम एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं, लीफ का जो लोअर सरफेस है इसको हम अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। अरे बस समझ, तो यही से यही गड़बड़ हो जाती है, वेंट्रल डॉर्सल में कंफ्यूज कर जाते हैं, वेंट्रल ये वाला था कि ये वाला था, डॉर्सल ये वाला था कि ये वाला था, इसी में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए बच्चे ये डाइकॉट स्टेम है ना, डाइकॉट लीफ है, आपके मैंगो मैंगो डाइकॉट प्लांट है, इनकी लीव्स देखिए कैसे हैं, ये स्टेम हो गए, ये परपेंडिकुलर टू द स्टेम, देखिए स्टेम है ये इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनका जो ये अपर सरफेस हो गया ये लोअर सरफेस हो गया, अपर सरफेस जो है सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज है, लोअर सरफेस जो है सनलाइट से कम एक्सपोज है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे आपको। अब ये एक्सेल एक्सेल वाली कहानी दूर करने दी थी, इसको आप क्या कीजिए ऐसे पकड़ लीजिए, ये ऐसे पकड़ लीजिए इसको, ठीक। अब देखिए अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए, बाहर से अंदर आओ, बाहर से अंदर आइए, बाहर से अंदर आएंगे अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेट पहले डी आता है कि वी आता है, तो पहले डी आता है फिर वी आता है, तो डी इसको बोल दीजिए वी इसको बोल दीजिए, मतलब कि नीचे वाला डॉर्सल ऊपर वाला वेंट्रल, ठीक है। अब एक्सेल एडेक्सेल कैसे दूर करें, तो फिर वही बात, अल्फाबेट पहले क्या आएगा बी आएगा फिर डी आएगा, तो अबैक्सियल बी बी पहले आएगा तो अबैक्सियल वाला ये हो गया, डी डी बाद में आएगा एडेक्सियल तो एडेक्सियल वाला ये हो गया, वेंट्रल सरफेस एडेक्सियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लो, अभी ये विचार आपके दिमाग में बैठे रहेंगे हमेशा। ये डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की जो लीफ है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको लीव्स के अंदर बचे दो एपिडर्मिस मिलेंगे, देखिए ये ऊपर वाली एपिडर्मिस और ये नीचे वाली एपिडर्मिस, ठीक है। तो एक आपकी वेंट्रल सरफेस की एपिडर्मिस, दूसरी आपकी डॉर्सल सरफेस की एपिडर्मिस, ठीक है। और इन दोनों एपिडर्मिस एक कितनी पतली से स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में, इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स पाई जाती है, जो पेरेन्काइमेटस सेल पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं मेसोफिल, बोल रहे हैं मेसोफिल यानी ऊपर एपिडर्मिस नीचे एपिडर्मिस और बीच में मेसोफिल सेल्स पाई जाएगी, ठीक है। ये देखिए बच्चे ये हमारी डाइकॉट की लीफ है और ये मोनोकॉट की लीफ है। तो डाइकॉट की लीफ मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर टू द स्टेम रहती है, स्टेम के परपेंडिकुलर है, स्टेम के परपेंडिकुलर है मतलब इनकी अपर सरफेस इस पे ज्यादा सनलाइट गिर रही है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, ठीक है। तो अपर सरफेस पे ज्यादा सनलाइट गिर रही है तो इसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, यहाँ ज्यादा वाटर लॉस होने की संभावना है। तो ये जो अपर सरफेस होती है जिसको आप वेंट्रल सरफेस बोल रहे हो, एडैक्सियल सरफेस बोल रहे हो, इस एडैक्सियल सरफेस पे जो क्यूटिकल होगी ये ज्यादा थिक होगी एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस के, ठीक है। तो ये देखिए ये सबसे वाला एपिडर्मिस हो गई, ये आपकी नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई, अपर सरफेस की एपिडर्मिस, ये लोअर सरफेस की एपिडर्मिस, और अपर सरफेस की एपिडर्मिस पे थिक क्यूटिकल मोटी क्यूटिकल की लेयर मिलेगी एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस की एपिडर्मिस के, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा एक्सपोज है, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए आप अपर सरफेस की जो एपिडर्मिस है इसमें आपको स्ट्रोमेटा देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है, स्ट्रोमेटा यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, वही यहाँ पर देखिए स्ट्रोमेटा यहाँ पर लोअर वाले सरफेस में प्रेजेंट है। तो जो अपर सरफेस है वहां पर इंस्ट्रूमेंटा बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, लोअर सरफेस में ज्यादा इंस्ट्रूमेंटा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपर सरफेस ज्यादा एक्सपोज है सनलाइट के, ज्यादा एक्सपोज है तो यहाँ से वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो इंस्ट्रूमेंटा रखा ही नहीं हम लोगों ने ज्यादा, यहाँ पर कम एक्सपोज है तो इंस्ट्रूमेंटा ज्यादा रख दिए ताकि भैया इंस्ट्रूमेंटा नहीं रहेगा तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। लोअर सरफेस में ज्यादा इंस्ट्रूमेंटा होंगे एज कम्पेयर टू अपर सरफेस के, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो मेसोफिल सेल है, नेक्स्ट आ जाइए दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो पूरा ये मेसोफिल सेल हो गई आपकी, इनकी जो मेसोफिल सेल है बच्चे जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो भी दो तरह से अरेंज होती है, अपर
अपर सरफेस की बात करें तो अपर सरफेस की तरफ जो मेसोफिल्स है दे आर कैसी है, दे आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड सेल्स हैं आपकी, और पैरेलली अरेंज, इलोंगेटेड पैरेलली अरेंज सेल, देखिए आपको पैरेलली अरेंज एक दूसरे के और इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं पैलिसेंट मेसोफिल, ठीक है, कोई जो डॉर्सल सरफेस वेंट्रल्स इनकी जो डॉर्सल सरफेस है लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस की तरफ की जो मेसोफिल सेल होती है कैसी है, राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड है, लूजली पैक्ड है, इनके बीच में एयर कैविटीज पाई जा रही है, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है, अपर वाले को बोलते हैं पैलिसेंट मेसोफिल, लोअर सरफेस की तरफ जो मेसोफिल प्रेजेंट है उनको बोलते हैं हमने स्पॉन्जी मेसोफिल, अपर सरफेस वाली जो मेसोफिल होगी उनमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है क्योंकि ऊपर ज्यादा सनलाइट फेस हो रहा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारी, और इसी मेसोफिल सेल में ये बंडल सीट प्रेजेंट, सॉरी इनकी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, आप देखिए वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इनके वैस्कुलर बंडल में भी अगर हम देखें बच्चे तो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, प्रोटोफ्लोएम वो इनके लोअर सरफेस की तरफ है, तो प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द एडैक्सियल सरफेस एंड प्रोटोफ्लोएम इज टुवर्ड द एबैक्सियल सरफेस, ठीक है, इसको भी कैसे याद करोगे, प्रोटोजाइलम एक्स, प्रोटोफ्लोएम पी, तो एक्स आ रहा है उसमें, तो एक्स को रखो बड़े की तरफ, डी की तरफ, डी बड़ा वाला है, ठीक, पी पी को छोटे की तरफ, बी की तरफ रखो, एबैक्सियल की तरफ रखो, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं सारी चीजों को, ठीक, नेक्स्ट देखिए, वहीं अगर हम बात करें अपनी ये जो हमारी मोनोकोट की लीफ है, मोनोकोट की लीफ में क्या होगी, अपर एपिडर्मिस है लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, यहां पर दोनों दोनों जो इसके सरफेस है पैरेलल टू द स्टेम है तो दोनों इक्वली फेज है, इक्वली फेज है तो यहां पर कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, जितना क्यूटिकल ऊपर की तरफ मोटा है उतना क्यूटिकल थिक यहां पर भी होगा तुम्हारा, जितना इंस्ट्रूमेंट है ऊपर है उतना इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहां पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जो मेसोफिल सेल देखिए मेसोफिल सेल भी ये पैलिसेंट और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, चलिए ठीक, और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ की ये जो वैस्कुलर बंडल है देखो बच्चे, वैस्कुलर बंडल, इन वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ देखिए, जो वैस्कुलर बंडल, ये जो वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल को हम सेंटर मान लें और यहां से लेकर ऊपर चले जाए और यहां से लेकर नीचे चले जाओ, तो यहां पर देख रहे हैं ये सेल्स अरेंज है, यहां पर कुछ सेल्स अरेंज है, ये पैरेन्काइमेटस या फिर कोलेन्काइमेटस सेल्स होती है जो कि अरेंज है यहां पर, ठीक है, और ये क्या बना रही है, दे आर फॉर्मिंग द बंडल सीट, क्या बना रही है, बंडल सीट, इनको बंडल सीट कैप बोल रहे हैं, बंडल सीट कैप, ठीक है, किसके बनी होते हैं बंडल सीट कैप, ये पैरेन्काइमेटस और कोलेन्काइमेटस किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर, मोनोकोट की बात करोगे तुमने भी वैस्कुलर बंडल यहां पर ऊपर से ले ऊपर और नीचे दोनों तरफ चले जाओ आपके डर्मिस तक सेल के लेयर बना दीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्क्लेरल कैमेटस सेल की लेयर मिलेगी आपको, ठीक है, जिसको आप जो भी बंडल सीट क्या बनाए, यहाँ पर स्क्लेरल कैमेटस सीट की लेयर मिल रही है, यहाँ पर पैरेंटल कैमेटस और कोलन कैमेटस सीट की लेयर मिल रही है, और इन बंडल सीट सेल के अंदर जो बंडल सीट सेल है इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, बंडल सीट सेल के जो सेल है दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो ये हमने बच्चे डिस्कस कर लिया अपने दोनों डाइकोट और मोनोकोट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, लिख लेते हैं बच्चे क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, डॉर्सिवेंट्रल लीफ्स दे आर फाउंड इन डाइकोट, डाइकोट में पाई जा रही है, कुछ एक्सेप्शन है यहां पर, यूकेलिप्टस नहीं है, ये डाइकोट प्लांट है, लेकिन इनके अंदर आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है, दे आर राइट एंगल टू द स्टेम, सही है सर, एंड अपर सरफेस मोर एक्सपोज टू सनलाइट, जिसकी वजह से अपर सरफेस ज्यादा मॉडिफिकेशन मिल रही है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर प्रेजेंट है, बट थिक मोर थिक ऑन अपर सरफेस, ज्यादा थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, इंस्ट्रूमेंटा के नंबर बात करें तो दे आर मोर ऑन लोअर सरफेस, सही बात है सर, वो भी हमने देखा अभी, क्योंकि अपर सरफेस पे ज्यादा होंगे, ज्यादा पानी का लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहीं तक की बात करें, यहीं तक आप देखो, आपने आप देख रहे हो कि ये जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है अपर सरफेस कुछ अलग तरीके का है, लोअर सरफेस कुछ अलग तरीके का है, इसीलिए डॉर्सिवेंट्रल लीफ को बाईफेशियल लीफ भी बोल रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाईफेशियल लीफ, नेक्स्ट मेसोफिल, उनकी जो मेसोफिल है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेट पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेट पैरेन्काइमा कहां है, इट इज टुवर्ड द अपर सरफेस, सही बात है सर, एंड दे आर मेड अप ऑफ क्या है, इनमें इनकी पैलिसेट पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं, दे आर इलोंगेटेड सेल्स है ना, एंड अरेंज्ड वर्टिकली, आप कीजिए वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, अरेंज्ड वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल है ना, क्लोरोप्लास्ट नंबर भी ज्यादा है, लार्ज वैक्यूल इनके पास है, और हमारे जो डाइकॉट लीफ है इसमें हमने देखा बच्चे कि जो लार्ज वैस्कुलर बंडल थे, जो लार्ज वैस्कुलर बंडल थे उन लार्ज वैस्कुलर बंडल के दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ ठीक है, लार्ज वैस्कुलर बंडल को सेंटर मान लिया जाए और दोनों एपिडर्मिस की तरफ मूव कर जाइए, दोनों अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों तरफ मूव कर रही है, तो क्या है सर इनके वैस्कुलर बंडल से लेकर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस तक क्या पाई जा रही है, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस और कोलेन्काइमेटस सेल अरेंज है, यहाँ पर इनको हम बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं बंडल सीट एक्सटेंशन, क्या बोल रहे हैं बंडल सीट एक्सटेंशन, और इन बंडल सीट एक्सटेंशन में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, वहीं पर अगर हम आइसोबायलेटरल लीफ की बात करें,
ठीक ये कहां पाया जाएगा देयर फाउंड इन मोनोकोट प्लांट ठीक कुछ एक्सेप्शन यहां पर भी लिलियन मल्टीफोल फ्लोरम यहां पर ये मोनोकोट है लेकिन इसके अंदर डॉर्सी वेंट्रली पाई जाएगी दे आर पैरेलल टू स्टेम ठीक है तो इनका अपर सरफेस और लोअर सरफेस वो इक्वली एक्सपोज्ड है अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस इक्वली एक्सपोज्ड है तो थिकनेस क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो भी इक्वल ऑन बोथ सरफेस दोनों सरफेस पे इक्वल थिकनेस की क्यूटिकल मिल रही है आपको स्टोमेटा भी दोनों सरफेस पे इक्वल है मेसोफिलिन के डिफरेंशिएटेड भी नहीं है पेनिसेर और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में और इनके अंदर जो लार्ज वास्कुलर बंडल है वो लार्ज वास्कुलर बंडल के दोनों तरफ है लार्ज वास्कुलर बंडल को सेंटर मान लो तो दोनों तरफ अपर एपिडर्मिस तक चलिए और लोअर एपिडर्मिस तक चलिए क्या मिल रहा है यहाँ पर इनके अंदर स्क्लेरल काइमेटस सेल के पैचेस मिलेंगे आपको इनके अंदर स्क्लेरल काइमेटस सेल के पैचेस मिलते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल अप टू द एपिडर्मिस ठीक है और इनको ये भी क्या ये बंडल सीथ एक्सटेंशन ही है ना तो इनके जो बंडल सीथ एक्सटेंशन है स्क्लेरल काइमेटस सेल के हैं और आपके डाइकोट के अंदर जो बंडल सीथ एक्सटेंशन है दे आर पैरेन्काइमेटस और कॉलर काइमेटस सेल इसके अंदर बच्चे अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ वेन्स पे साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड करेगा साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल मैं पता है जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकोट लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर अलग-अलग थिकनेस की वेन्स मिलती हैं आपको वही हम बात करें मोनोकोट की बात करें तो उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है तो उनके अंदर सेम थिकनेस की वेन्स मिलेंगी आपको यानी रेटिकुलेट वेनेशन वाली जो लीफ है ना डाइकोट लीव के अंदर वेरियस साइज वेरी जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वही वेरी करेगा और आपकी लेटरल मेरिस्टम की जो टाइप्स मार्जिनल मेरिस्टम जो कि प्राइमरी मेरिस्टम तो उससे उनकी विड्थ बढ़ रही थी तो ओवरऑल उनकी सेकेंडरी प्राइमरी की जो ग्रोथ है प्राइमरी ग्रोथ है सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है तो क्लोज वैस्कुलर बंडल है बात करें इनका जो प्रोटोजाइलम है प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द एडैक्सियल सरफेस अपर सरफेस की तरफ है प्रोटोफ्लोएम इधर है टुवर्ड द एडैक्सियल सरफेस इसको भी आप याद कर सकते हैं पहले क्या आएगा पी आएगा फिर एक्स आएगा तो बाहर नीचे की तरफ है ना आपके सारे बी डी की तरफ पी भी आ गया ना और ऊपर इधर जाइलम आ गया तो इससे आप याद रखेंगे इस चीज को क्लासेस की अगर हम बात करें बच्चे तो इनकी जो एडैक्सियल सरफेस वाली जो एपिडर्मल सेल्स है मतलब की अपर एपिडर्मल सेल्स है उनके उनकी जो सेल्स है उनकी कुछ सेल्स अलोंग द वेंस वेंस के अलोंग की जो सेल्स होती हैं उनकी दे मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस वो सेल कैसे बने दे बिकम लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल हो गई वो ठीक है किधर वाली सेल किस एपिडर्मिस की सेल आपकी तो सर एडैक्सियल अपर सरफेस की जो एपिडर्मल सेल है उन एपिडर्मल वही कुछ एपिडर्मल सेल्स कैसे हुई दे बिकम लार्ज एम्प्टी कलरलेस है और इन लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल को हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स क्या कह रही है बुलिफॉर्म सेल और मोटर सेल ये बुलिफॉर्म सेल क्या करते हैं बच्चे ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो दे बिकम टर्जेंट ये सेल्स टर्जेंट हो जाती हैं और जब ये सेल टर्जेंट होती हैं ये अपर सरफेस की सेल जब टर्जेंट होती है तो आपका आपकी लीफ का जो सरफेस है पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है पूरी तरह से खुल जाता है वही जब इनके जब वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है इनका जब पानी बाहर निकल जा रहा है पानी बाहर निकल जा रहा है तो ये सेल श्रिंक कर जाती है ये सेल श्रिंक कर जाती है और जब ये सेल श्रिंक कर जा रही है तो इनके श्रिंक होने की वजह से जो लीफ की सरफेस है ये भी कर्व कर जाती है लीफ की सरफेस कर्व कर जा रही है ना तो ये वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा है तो ये एक आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है बुलिफॉर्म सेल क्या है कहाँ पाई जा रही है क्या चीज़ है हमने डिस्कस कर लिया।